मुल्की सियासत में रमजान अल मुबारक के दौरान काफी धीमा मिजाज देखने में आया, लेकिन अब रमजान बीत चुका है और रमजान के बाद अब हकीकी सियासत का भी आगाज होना है। अपोजिशन काफी अरसे से खामोश भी बैठी थी, लेकिन विफाक और पंजाब के अंदर काफी अरसे से तब्दीलियों का इशारा था। क्या वो तब्दीली के दिन आन पहुंचे हैं? अगर आन पहुंचे हैं तो तब्दीलियां किन किन सेक्टर्स में होंगी और किन किन वजारतों में होंगी? राणा साहब की जानिब बढ़ते हैं। राणा साहब, सबसे पहले आगाज करते हैं विफाक से। विफाक में कोई बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही? नहीं यार, सर आज आपको मैं, चूँकि आप तकरीबन एक माह बाद हम प्रोग्राम करने आए हैं, रमज़ान में हम नहीं प्रोग्राम कर सके दफ्तर के शेड्यूल्स के मुताबिक, आज आपको एक बड़ी खबर देते हैं। वफाक में दो अहम वजारतें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। चेहरे तब्दील हो रहे हैं या नए ऐड हो रहे हैं? नए ऐड हो रहे हैं। अच्छा, और चेहरे तब्दील भी हो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दो बड़ी वजारतें इनको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। एक वजारत का तल्लक जो है मजहब से है, मजहबी हो सकता है, और एक का तल्लक जो है वो बड़ी तगड़ी वजारत है। दो दफ़ा उस वजीर की वजारत तब्दील हो चुकी है, और अब भी सुनने में मेरे पास जो इतला है कि दो वजारतें वहाँ से जा रही। तीसरा, पंजाब के अंदर अब्दुल अलीम खान जो हैं इनको तगड़ा ओहदा मिलने वाला है। अब्दुल अलीम खान जो है ये पंजाब में अच्छी और बेहतरीन पोजीशन पर आने वाले हैं। वो अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बजट के बाद तो ये की जा रही है कि बजट के बाद हो, और मेरे जराए ने इस बात की कंफर्मेशन भी की। लेके क्यों मुख्तस की गई है हर तब्दील? उसकी वजह ना, अब दिन भरे थोड़े रह गए सर, बहुत थोड़े दिन रह गए। एक होता ना, अगर आपके पास 2-3 माह का वक्त होता तो और हालात होते। जब बजट तैयार हो रहा हो तो उस वक्त तब्दीलियां मुमकिन नज़र नहीं आती। उस वक्त तब्दीलियां कुछ तब्दीलियां होती हैं, और ऐसी तब्दीलियां जिससे आपका बजट मुतासर ना हो, जिससे कोई और मामला ना हो, ये उस तरफ चली जाती है। मेरी पास इतला है कि अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं इनके हवाले से अहम अदारे जो हैं वो भी राजी हैं। बहुत तरफ से इनकी क्लीनस मिल चुकी है, और अब्दुल अलीम खान आने वाले दिनों में मुझे पंजाब में, मेरी इतला यह है कि अच्छी जगह पे अब्दुल अलीम खान को एडजस्ट किया जा सकता है, ये मेरे पास इतला है। बल्कि मुझे तो इतला देने वाले ज़राए जो है उनका ये कहना है कि अब्दुल अलीम खान साहब की वज़ीर आज़म साहब से जो सऊदी अरब जब गए ये तो एक ऐसी मीटिंग भी हुई जिस मीटिंग में एक तगड़ा वफाकी वज़ीर उसके अंदर शामिल नहीं हो सका, और 1-to-1 मीटिंग हुई, और उसमें बहुत से मामला तय भी हुए। मेरे पास तो ये भी है, और मेरे पास ये भी चीज़ें हैं कि अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो कुछ लोग गलत फहमियाँ पैदा कर रहे थे वो भी सब दूर हो गई। ये मुझे सऊदी अरब की जो मीटिंग है उसमें भी तो बड़े एक अहम शख्स ने इसको कंफर्म किया था। आप गौर करें ना कि सऊदी अरब के टूर्स में कौन कौन साथ किया, और पंजाब से। अच्छा, वो मैटर करता है? बड़ा बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये सऊदी अरब का विज़िट जो था ना, ये सिर्फ उम्रे की हाजिरी नहीं, उम्रे की अदायगी नहीं थी, इसमें बहुत से मामलात थे, बहुत सी चीज़ें थी। आप देखें, उससे पहले हमारे आर्मी चीफ साहब वहाँ पहुँचे, हमारे हसासदारों के सरबराह वहाँ पहुँचे, वहाँ में मुलाकातें हुई, फिर खुद गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वहाँ जाते हैं और उनके साथ एक टीम जाती है, वो टीम जो है उनमें कौन कौन से लोग होते हैं शामिल हैं, फिर वो वहाँ पर बहुत सी मीटिंगें मुलाकातें बहुत कुछ हुआ है। तो ये बड़ी अहमियत है, और आप एक और ज़हन में रखिएगा, ये जो मैं आपको तब्दीलियों की तरफ इशारा दे रहा हूँ ना, देखें आज ज़ुल्फ़ी बुहारी साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने खुद उन्होंने कहा कि खान साहब का ये हुक्म है कि जब तक आप किसी इंक्वायरी में मुलव्वस हों तो ओहदे से आपको पीछे ही रहना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, मैं समझता हूँ कि ये ज़ुल्फ़ी बुहारी ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, और ऐसा ही होना चाहिए। और ये पहली हुकूमत है जिसमें ऐसा हो रहा है कि अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो वो फौरी तौर पर वो अपनी सीट से रिज़ाइन दे देता है, और जब तक वो क्लियर नहीं होता उस वक्त तक उसे वजारत या खुद नहीं आता, और ये खुद कर रहे हैं। और इसी तरह मेरी इतला ये है कि शायद हो सकता है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि दो मज़ीद लोग जो हैं वो उनकी वजारतें तब्दील हो जाएँ, वजारतें वापस ले ली जाए, तो आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये है और ये हो रहा है। और पंजाब के अंदर एक और बता दूँ मैं, पंजाब के अंदर भी एक तगड़ा वजीर जो है उसके जो वजारत है वो तब्दील होने जा रही है। तगड़े वजीर की तल्लक लाहौर से है, बस ये इशारा दे दूँ।